आते हैं। मेरा मुन्ना तो बहुत ही सुंदर है। अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं होता है मुन्ना है। देखो नानी को नहीं पहचाना। अरे बाबू क्या हो गया मुन्ना को? अरे चुप हो रहा है पेटी अंदर ले जा और मुन्ने के कपड़े बदल दे। अल्लाह अल्लाह मुझे चलो। अरे नहीं नहीं बाबा, ओ मुन्ना रोता है। चलो अंदर जा। कुंजा कहाँ है? वहीं चल के बैठो ना। नहीं पहले एक बात बताओ। का? तुम नाराज हो हमसे? नहीं तो नाराज काहे होंगे? तो फिर बात का है? आज इतनी बदली बदली का नजर आ रही हो, कितनी देर हुई हमें आके? पास आके बोलना बतियाना तो छोड़ो, देखा भी नहीं हमारी तरफ। इसलिए हमको लगा कि कल की बात से ऐसा काहे सोचते हो? तो का सबके सामने तुम्हारे पास आके बैठ जाती, लाज नहीं आती हमको का? पहले तो नहीं आती थी, कभी सबके सामने बात नहीं करती थी या कभी पास नहीं आती थी। तब की बात और थी, अब ये सब नहीं होगा हमसे। काहे? कहा ना, आप बार बार मिलना बतियाना बहुत मुश्किल होगा। अरे बिना मिले तो मन नहीं मानेगा। हाँ मन को तो मनाना पड़ेगा। अरे यहाँ अकेले में क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं जीजी। काहे चंदन, हमें भी तो बताओ तुम्हारी मन की बात। का बात? बात नहीं, बात का बोली। ठीक है मत बताओ कोई, पर हम तो सब जान ही गए। आज पता चला है कुंजा चले आने के बाद तुम खोए खोए से काहे रहते थे, बार बार आने बहाने चौबे पुराने की बात काहे करते थे कुंजा से मिलने को ना। वो जी। अरे तू कहाँ चली? ठहर तू बता, चंदन तुझे पसंद है? ब्याह करेगी उसे? अरे भौजी नेकी और पूछ, हमारा ब्याह करा दो भौजी, जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, पांव धो धो के पिएंगे, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे बस। अच्छा 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 बाबा, बस मैं वापस जाते ही तुम्हारे भैया से कहकर सब कुछ तय करा दूंगी और फिर बाबूजी से कह के ब्याह करा दूंगी। ठीक है अब खुश? भौजी अरे सुनो। नहीं अरे अब काहे की शरम? अब तो और भी शरम आएगी। देखो तुम इस तरह हमसे बार बार मिलने मत आया करो। अब तो हम रोज आएंगे। नहीं, नहीं आएंगे। नहीं अरे याद है यही कोबर में तुम एक शर्त आ रही थी हमसे कि जब जो भी हम कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ हारे तो बस अब जब भी हमसे मिलने आओगे तो डोली बारात लेके ही आना। ठीक है ऐसा ही करेंगे। कुंजा सुनो, कुंजा हमारी तरफ देखो। अब कहाँ देखें कहाँ सुने? बस एक बार हमारी बात सुन लो कुंजा, फिर चाहे जिंदगी भर हमसे नाराज रह लेना। तुमसे नाराज रहने का अब का अधिकार है हमारा? थोड़ा बहुत अधिकार जो हमने अपना समझ लिया था वो तो तुमने छीन ही लिया ना। बस एक बात नहीं समझ आती
कि तुमने किस बात का बदला लिया हमसे? बोलो, किस बंधन में बांधने का वादा किया था और किस बंधन में बांधने चले आए? बोलो, काहे किया हमारे साथ ऐसा, काहे? बोलो। अब कहा बताएं गुंजा, हमने तो मन को समझा ही लिया था कि जब दुख भोगना है तो दुख देने वाले की आंखों के सामने ही सही, पर क्या करें, तन पर काबू नहीं रहा और गुंजा। तुम्हारा बड़ा भरोसा था चंदन, हम समझते थे अगर हमारे नेचरों में बल होगा तो हम तुम्हें जरूर पालेंगे। जिंदगी में नए छोए तो सब कुछ नहीं होता गुंजा, एक कर्तव्य भी तो होता है। तुम तो बहुत बाद आई गुंजा, आंख खुली तो पहले भैया को जाना था, बाप महतारी की तो चेहरे तक याद नहीं हमको। हो संभाला तो भैया की गोद में, अरे हमारे भैया ने हमारे लिए कहा नहीं किया, और वही भैया भौजी के ना रहने के बाद कहा से कहा हो गए। अरे उनकी तरफ देखा नहीं जाता था गुंजा, लगता था कहा करें और कैसे उनकी खुशी वापस लाए। उनकी खुशी की खातिर ही हम अपना सब कुछ निचावर करने के लिए तैयार हो गए गुंजा। बात सिर्फ हमारी नहीं रह गई थी, भैया की खुशी की बात थी, उस घर की बात थी जिसे भौजी ने इतने जतन से संवारा सजा, बात हमारे मुन्ना की थी। इसलिए हमने सोचा कि उस घर को देखने संभालने के लिए एक तुम ही हो और कोई नहीं, और हम चुप रहे। गुंजा, हमें इतना भरोसा था तुम पर कि अगर तुम हमारी मजबूरी को सुनोगी तो मैं समझोगी और कर दूंगी। तुम बहुत बड़े हो चंदन। हाँ, पहले हम तुम्हें केवल चाहती थी, पर अब श्रद्धा करेंगे। देवता ना भी मिले तो क्या पुजारी की भक्ति छूट जाती है? हम तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे चंदन, कभी। गुंजा, तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। नहीं गुंजा। भैया, अरे पागल, ये कैसी बातें कर रहे थे तुम लोग? हमारे लिए तुम अपनी खुशियां छोड़ दोगे और हम खुश हो जाएंगे? हाँ, तुमने समझ क्या रखा है हमें? क्या हम ऐसे ही? भैया बस गुंजा, तुम चिंता मत करो, ये देवता ही तुम्हारा पति देवता बनेगा। हम अभी बात करके आते हैं। बैद जी, जी बच्चों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है, इसी में सबका भला है। गुंजा की मांग तो अब चंदन को ही भरने दीजिए। सुखी रहो।